वेलकम टू द चैनल गाइस। और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट और ये कैंटोनमेंट को हमने पार कर लिया है। सामने नेशनल फ्लैग दिख रहे हैं जो कि दिल्ली, ये दोनों तरफ जो एरिया है ये कैंटोनमेंट का एरिया है। और एयरपोर्ट जो दिल्ली का है, कई सारे टर्मिनल्स हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो हमें जाना है टर्मिनल 2 पे। और अब हम लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया में इंटर कर चुके हैं। जो सामने मेट्रो दिख रही है, दिल्ली मेट्रो है जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे बहुत सारे अंडरपास बने हुए हैं जो टर्मिनल 1, 2, 3 को कनेक्ट करते हैं। और वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छे से इनको बनाया गया है, डेकोरेट किया गया है। जाहिर सी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है तो मेंटेन करना तो बनता है। ये हमारे सामने किसी राजनयिक की गाड़ी चल रही है, अम्बेसडर, क्योंकि ब्लू नंबर प्लेट जो मिलती है वो अम्बेसडर्स के लिए अलाउ है इंडिया में। और अब हम लोग टर्मिनल 2 के लिए यहाँ से राइट टर्न है, जो कि काफ़ी समय आदमी मिस कर जाता है बहुत बार, इसको ध्यान में रखें। टर्मिनल 1, गेट नंबर 1, टर्मिनल 2। बैगेज जमा करने के बाद और सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। अंदर आने के बाद यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स है, शॉप्स हैं, आप कुछ भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कपड़े, जूते, बेल्ट, बैग्स, जो भी चाहिए। ये लॉन्च में बेड्स लगे हुए हैं स्लीप करने के लिए, वेटिंग करने के लिए। और यहाँ पे बाबू एंजॉय कर रही है, इसको भी एक बेड मिल गया है। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम लोग जा रहे हैं प्लेन के अंदर। आपकी सुरक्षा के लिए साथ लाए सामान को अपने साथ। 2 घंटे फ्लाई करने के बाद और अब हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर। और ये स्काई लाइन जो है ये बैंगलोर की दिख रही है, सारी लाइट्स चलती हुई नीचे। फ्लाइट अब केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी है और अब ये जा रही है अपने स्टेशन पे, जहाँ पे इसको पार्क किया जाएगा। और वहाँ से ये बसेस के ज़रिए लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम लैंड हुए तो देखा कि जो भी कनेक्टेड हैं स्टेशंस वो सारे फुल थे। और शाम को और सुबह जो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, शाम के समय इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी होती हैं। और जो ये दिख भी रही हैं, कई सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इस समय खड़ी हैं। ब्यूटीफुल लाइटिंग और ये प्लेन टेक ऑफ करते हुए। उसके पीछे एक और प्लेन रो में खड़ा है जिसका नंबर आएगा टेक ऑफ करने का। तो ये एयरपोर्ट बहुत ही बिजी है, हमेशा यहाँ पे फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ चलता रहता है। इस समय यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स खड़े हैं, गिनती करना मुश्किल है, सैकड़ों की तादाद में प्लेन होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों प्लेन हो। पूरी रो दिख रही है दूर दूर तक और सिर्फ प्लेन्स खड़े दिख रहे हैं एयरपोर्ट पे। बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है ये। जो प्लेन की डील दिख रही है मलेशियन एयरलाइंस का, और ये इंटरनेशनल प्लेन खड़ा है यहाँ पे।
और अगर साइज की बात करें तो जो हमारे डोमेस्टिक प्लेन होते हैं उनसे इंटरनेशनल प्लेन्स काफ़ी बड़े होते हैं। ये दिख रहा है लिखा हुआ मलेशियन एयरलाइंस, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट इस समय लगी हुई है जो कि मलेशिया शायद जाए, आ भी सकती है वहाँ से। और बसेस का फिक्स पाथ है एयरपोर्ट पे, वो उसी पाथ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट अगर खुला हुआ है तो कहीं से भी चले जाएं, फिक्स रूट है और वहीं से वो टर्न लेंगे। और ये हम आ गए प्लेन के बिल्कुल सामने, और ये भी अपने स्टेशन से कनेक्टेड है। और बेंगलोर एयरपोर्ट पे ऐसे बहुत सारे स्टेशन बने हुए हैं। ये उसके बगल में जो प्लेन खड़ा है उसके आगे बिल्कुल बच्चा सा दिख रहा है, बहुत ही छोटा। ये इंडिगो का प्लेन है जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए यूज़ होता है, 200 सीटर। वो इससे बड़ा प्लेन है जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए यूज़ होता है। और दोनों का अगर आपने नोटिस किया होगा जो जेट इंजन है उसका साइज़ भी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। वीडियो को आप चाहो तो पीछे करके देखना तो समझ में आ जाएगा कि दोनों प्लेन के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है, और वो अंतर उनके इंजन में भी है। और बेल्ट नंबर जो है वो प्लेन में ही अलाउंस कर देते हैं, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हो बेल्ट के पास तो वहाँ भी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होता है कि कौन सी फ्लाइट का सामान इस बेल्ट पे आया हुआ है। सामान लेने के बाद हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और साइड में खड़ी है BMW की कार, और ये है बेंगलोर एयरपोर्ट का एग्ज़िट। एग्ज़िट के बाद निकलते ही आपको राइट हैंड साइड में सबवे दिखेगा, बहुत सारी शॉप्स हैं, पूरा उन्होंने ओपन कॉम्प्लेक्स बना रखा है। बेंगलोर का काफ़ी सारा क्राउड शाम को चाय और काफ़ी पीने एयरपोर्ट आता है, ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं, पब बने हुए हैं, बार बने हुए हैं, तो अगर किसी की लंबी फ़्लाइट है तो यहाँ पे ईज़िली वो हैंग आउट कर सकता है। और जब आप बेंगलोर एयरपोर्ट से बाकी कहीं एयरपोर्ट पर जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिसिंग लगती हैं। तो बेंगलोर एयरपोर्ट एक वन ऑफ द हैपनिंग प्लेस है ना बेंगलोर, अगर प्लेन नहीं भी पकड़नी है तो शाम को एयरपोर्ट पे गए और चिल आउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। हाँ